सॉन्ग रहे तो लेवर बताता हूँ। पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट से रेलिवेंट है। आज हम जो पढ़ेंगे वो एलिमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें हमने एटम के मुतालिक पढ़ा था, मैटर के मुतालिक पढ़ा था और मॉलिक्यूल्स के मुतालिक पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि हमने साथ साथ सेल्फ में शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। तो इस पेज के जो टॉप पे फर्स्ट वन जो सेल्फ में शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एलिमेंट्स भी हो सकता है, या आप इसको दूसरी वर्डिंग में डिफाइन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वो मैटर जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करते हों उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की एग्जाम्पल हैं। आपने इसकी डेफिनेशन में याद रखना है ओनली वन काइंड, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हो तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि इफ वी टेक अ पीस ऑफ कॉइल, अगर हम कॉइल का पीस ऑफ लें विच इज कार्बन एंड ब्रेक इट इन टू वेरी स्मॉल पीसेज, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, वी विल फाइंड दैट, हम ये देखेंगे, हमें ये पता चलेगा इट्स वेरी स्मॉल पीसेज ऑल्सो कॉल्ड, तो वो भी कार्बन ही है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू फर्दर सिमिलर फॉर्म्स बाई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स है कार्बन की, आयरन की, गोल्ड की, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हैं, आप डेली हर रोज़ देखते हैं इनसे, इन्हें जानते हैं और इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी है। देर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू बी साइंटिस्ट, तकरीबन जो साइंसदानों के इलम में है वो 109 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, बाकी साइंसदानों ने बनाए हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता है 5 क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी से एलिमेंट आगे एग्जाम्पल दी जा रही है। मिसाल के तौर पे आयरन इज़ अ सॉलिड एलिमेंट, वो सॉलिड ठोस में होता है। मर्करी इज़ अ लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट होता है। एंड ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट, वो गैसियस की फॉर्म में होता है। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमें हम हर रोज़ देखते हैं उनके मतलब जानते हैं उनके मतलब देखेंगे, एंड देयर सिंबल्स, और उनके क्या क्या सिंबल्स हैं, अलामतें क्या हैं जिनकी वजह से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके मतलब देखेंगे। इन द बिगनिंग, इब्तदा में ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम, हर एलिमेंट को उसके फुल नेम के साथ लिखा जाता था। अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वॉज डिवेल्प्ड, उसके बाद एक मुख्तसर और आसान तरीका उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया। ईच एलिमेंट इज गिवन अ सिंबल, हर एलिमेंट को उसको एक सिंबल होता है। अ सिंबल इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे सिंबल की डेफिनेशन है। और ये आप लोगों का सेकंड सेल्फ मेड शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद करना है। अ सिंबल इज़ द एब्रीविएटेड नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एब्रीविएटेड, जिसे वो एब्रीविएशन करता है, वो उसका सिंबल कहलाता है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स टेकन फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट, ये या तो इंग्लिश से लिया गया है या लतीनी ज़बान से लिया गया है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले H इज़ अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो H है। Na इज़ द सिंबल ऑफ अ सोडियम, सोडियम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो Na है, हुज लैटिन नेम इज़ नेट्रियम, और इसका लैटिनी ज़बान में नेट्रियम नेम है। इस टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं, आपने इन्हें सेल्फ मेड MCQs के तौर पे याद करना है और इन्हें याद रखना है। फर्दर जब आप 7, 8, 9, 10th में जाएंगे तो केमिस्ट्री के अंदर भी आप इन सिंबल्स के मतलब मज़ीद पढ़ेंगे।
अभी छोटे लेवल पे ये सिर्फ आपने इनके नेम और इनके सिंबल्स को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करते हुए याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है। इस पेज के ऊपर जो सेल्फ मेड शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला हमने इसके ऊपर किया व्हाट आर एलिमेंट्स, जो कि द मैटर से लेके एलिमेंट्स तक था। उसके बाद सेकंड जो सेल्फ मेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिंबल के मुतालिक है कि डिफाइन सिंबल या व्हाट इज सिंबल। तो आपने यहाँ से अ सिंबल इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ द एलिमेंट।